मेरे साथ चुकी एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, गिरीश कुबेर साहब हैं। आप टाटायन के लेखक हैं, लोकसत्ता के संपादक हैं और रतन टाटा से आपका जुड़ा लंबा अनुभव रहा है, कई मुलाकातें उनसे रही हैं। इस मौके पर आप उनके व्यक्तित्व को गिरीश जी कैसे याद करते हैं? बहुत ही यादें हैं, एक असली सच्ची सादगी, सीधापन और एक जो सिंप्लिसिटी होती है, दैट वॉज अ कम्प्लीटली यूनिक ऑफ मिस्टर रतन टाटा। मुझे याद है जब दूसरी बार किताब के लिए मुलाकात उनकी जब तय हुई थी तो उनसे आधे घंटे पहले उनके कार्यालय का स्वीय सचिव का फोन आया कि थोड़ी सी देर होगी, आपको चलेगा ना। ये जो सामने वाले आदमी की वक्त का भी एक अहमियत रखना, इतने बड़े पावरफुल पोजीशन के होने के बाद भी, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक टू टाटा। मैं मेरे जो पहले थे उनको सुन रहा था कि कौन से उद्योगों में टाटा ने बड़ा काम किया, उसको बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहेगा। मैसूर में जो सिल्क आता है, जब आप कई बार बेंगलोर मैसूर जब घूमने जाते हैं तो आते वक्त सिल्क की साड़ी या सिल्क के कुर्ते वगैरह लेते हैं, वो सिल्क टाटा की वजह से वहाँ पे आया है। महाबलेश्वर में बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग जाते हैं, ठंडी जगह है, एक हिल स्टेशन है, वहां से स्ट्रॉबेरी जाते हैं, जाते फेमस है वहां की, वो स्ट्रॉबेरीज वहां में टाटा की वजह से आई। वो जो पहले टाटा थे उन्होंने वहां से स्ट्रॉबेरी का प्लांटेशन वहां किया था, जैसे मैसूर में टाटा ने वो जो रेशम के कीड़े होते वो जब बाहर से लाए थे, फ्रांस से लाए थे। सो भारतीय माहौल के मुताबिक, भारतीय संस्कृति के मुताबिक और भारत के लिए क्या अच्छा है ये जान के उन्होंने जब जो कुछ अपनी डेवलपमेंट की वो की, और सिर्फ मुनाफा कमाना ये उनका कभी भी मकसद नहीं था। अपने साथ सोसाइटी को साथ लेके चलना है, उनको आगे लेके चलना है, उनको जुड़ के जो कुछ प्रोग्रेस करनी है वो उन्होंने, उनका ये मकसद ऐसा रहा है। इसलिए जब इंग्लैंड में जब एक कंपनी बंद हो जाने वाली थी ऑटोमोबाइल की, जब वहाँ के कर्मचारियों को पूछा गया कि आप कौन से उद्योग का हिस्सा बनना चाहेंगे क्योंकि ये तो बंद होने वाला है, तो उन्होंने ओवरवेलमिंगली कहा कि हम टाटा पसंद करेंगे। और ऐसी इसकी वजह से जगवार लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनी टाटा एम्पायर का भाग हुई। आज दुनिया में सबसे बड़ी चाय की कंपनी, 90% जनता जब सुबह उनका दिन शुरू होता है वो जो चाय पीती है वो भारतीय होती है, भारत में बनी कंपनी की होती है। वो टेटले कंपनी रतन टाटा की वजह से भारत का हिस्सा बन गए। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारी कहानियां उनके बारे में बताई जा सकती है, लेकिन सबसे अहम यही है जो उनकी सादगी है वो असली थी, वो सीधापन था, वो असली था। नहीं तो अपने संस्कृति में ऐसा होता है, अपने देश में ऐसा होता है। हाँ गिरीश जी, उसी पर मैं आना चाह रहा था। दरअसल मेरे साथ दिवांग भी जुड़े हुए, मेरे सहयोगी, वो भी अभी बता रहे थे कि घर में खाने वाले नमक से लेकर तमाम चीज़ें, मतलब जीवन का कोई ऐसा हिस्सा अछूता नहीं है जब टाटा से संबंधित चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करते। अभी मैंने ध्यान दिया तो मेरी कलाई पर जो घड़ी बंधी हुई है वो टाटा की घड़ी है, टाइटन है। जो कार में इस्तेमाल करता हूँ वो टाटा की है। 2 दिन पहले मैं जब मॉल में अपनी पत्नी के लिए पर्स खरीदने गया तो पता चला वो टाटा कंपनी का ही। मतलब इस तरीके से बिजनेस को उन्होंने डाइवर्सिफाई किया था कि ऐसा लगा नहीं कि कोई भी जीवन, हमारे जीवन से जुड़ा क्षेत्र अछूता रह गया हो जहाँ टाटा की चीज़ें ना मिलती हों या ना बनाई जाती हों। करेक्ट, और ये दैट इज एग्जैक्टली द स्पेशलिटी। और वो चीजें भारत में बनाने की शुरुआत टाटा की वजह से हो गए, वो चाहे वो पहले जमशेद टाटा हो, जेआरडी टाटा हो, रतन टाटा हो। जब इंग्लैंड ने दूसरा महायुद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब जीता तो इंग्लैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, पार्लियामेंट में कहा, हम टाटा की वजह से जीते क्योंकि टाटा स्टील ने उनका बचाव किया था। वो जो हमले हो रहे थे तो टाटा स्टील कितना मजबूत होता था कि टाटा स्टील की वजह से हम जीत पाए, ऐसा उन्होंने ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। जब जर्मनी के इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो रही थी तो टाटा वहां कुछ सेटअप करना चाहते थे तो जर्मन के मिनिस्टर ने कहा, ओ रतन टाटा, वी कंसिडर आवर सेल्फ, वो वी कंसिडर हिम एज ए जर्मन। सो ये जो एक सच्चापन था और कोई प्रिंसिपल सपने जो होते हैं वो उसको, उसकी जो तत्व होते हैं, उसके जो मूल होते हैं उसको, वो वही ढांचा संभाल के अपना उद्योग विस्तार करना, ये सबसे अहम और सबसे डिफिकल्ट चीज है भारत में। रतन टाटा की अहमियत यही है कि उन्होंने कोई मूल्यों की
जो एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वो कभी नहीं की। भारत के दो पॉलिटिशियंस की वजह से कुछ 20 साल पहले उनको अपनी एयरलाइन वो शुरू नहीं कर पाए, मेरी किताब में वो सब कहानी लिखी है मैंने, रतन टाटा जी के मुंह से सब सुनने को मिला था। लेकिन वो अपनी एयरलाइन शुरू हो इसलिए उन्होंने अपने मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। वो रुके दो दशकों के बाद उन्हें टाटा सिंगापुर एयरलाइंस शुरू कर पाए। तो ये जो सादगी है, संपत्ति और सादगी भारत में बहुत वो इट्स वेरी रेयर, बिकॉज यहाँ पे अपने कल्चर में संपत्ति का एक प्रदर्शन बड़ी आई मीन इट इज वेरी पॉपुलर थिंग, यू हैव टू शो ऑफ यूर पावर, मे बी पॉलिटिकल पावर, वेल्थ, वॉट एवर पावर यू हैव, सिंप्लिसिटी और उसमें जो जेन्यूननेस है वो सिर्फ रतन टाटा में और टाटा कल्चर में देखने को मिला था। पहले टाटा ऐसे थे, दूसरे टाटा ऐसे थे, जेआरडी टाटा ऐसे थे, और वही वो एक जीन्स होते हैं जो एक जनू को कहते हैं, वो जो एक अपने प्रिंसिपल होते वही लेके रतन टाटा अपनी जिंदगी जिए। रतन टाटा की जाने से क्या क्या नुकसान हुआ ये समझ आने में भी हमें बहुत समय बिताना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ पीपल आर नॉट बॉर्न एनी मोर नाउ इन आवर सोसाइटी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गिरीश जी, और जिस तरीके से आपने उनका अनुभव बताया, मतलब अपने देश में या पूरी दुनिया में कई बिजनेसमैन हुए, अमूमन क्या होता है, कोई भी बिजनेस घराना हो, उद्योगपति हो, उसका एक पहला उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। लेकिन शायद रतन टाटा ऐसे पहले बिजनेसमैन के तौर पर नजर आए जिनका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था, जो भी कमाई होती थी उसका एक बड़ा हिस्सा वो दान में दे देते थे, हॉस्पिटल्स को, बच्चों के लिए, रिसर्च के लिए, कुछ उस तरीके का संस्मरण जो आपका उनसे जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसी बात जो पब्लिक डोमेन में ना आई हो अगर आप हमारे दर्शकों से अभी साझा करना चाहें। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब उनसे इंटरव्यू मेरा हो रहा था तो उस दिन वो थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे थे, बार बार अपने पीए को पूछते रहते थे कि क्या हुआ है। तो इंटरव्यू के बाद मैंने पूछा उनको कि क्या वजह है, यू आर लुकिंग वेरी डिस्टर्ब। तो उनका जो घर का जो कुत्ता था, टीटो नाम का जर्मन शेफर्ड था, वो बीमार था और उन्हें सिंगापुर में उसके लिए वो मीटिंग के बाद कुछ बिजनेस डील के लिए जाना था, तो शाम को वो सिंगापुर निकल गए। जाते वक्त यही थी उनकी चिंता थी कि वो कुत्ता बीमार है। तो दूसरे दिन मुझे पता चला कि वो सिंगापुर के लिए क्यों गए। सिंगापुर से अनाउंसमेंट आ गई कि टाटा और सिंगापुर एयरलाइन का जॉइंट वेंचर विस्तारा फॉर्म हो रहा था, और विस्तारा के जन्म में इतना बड़ा एक डेविएशन, उनके कंपनी का एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था। लेकिन उनको चिंता पड़ी थी कि वो कुत्तों की, वो जब बॉम्बे हाउस में आते थे, उनकी जब गाड़ी रुकती थी तो आसपास के कई सारे 20-25 कुत्ते उनके गाड़ी के आसपास जमा हो जाते थे, और जैसे कोई दोस्त हो ऐसी बात रतन टाटा उनसे कहते थे। वो सब कुत्ते उनके साथ लिफ्ट तक उनको छोड़ने के लिए आते थे, लिफ्ट के बाद वो रतन टाटा अकेले जाते थे और वो कुत्तों के लिए, उसके बाद रतन टाटा की वजह से उनके लिए खास अरेंजमेंट किया गया। अभी भी वो अरेंजमेंट वैसा ही है। और उनका एक आखिरी जो एक चैरिटी का काम है वो बहुत लोगों को मालूम नहीं है, उन्होंने बम्बई में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जानवरों का अस्पताल बनाया। भारत में ऐसी सुविधाएं नहीं है, जानवरों को कुछ हम अच्छी तरह से देखते नहीं है, स्पेशली जो रोड साइड के जो रास्ते के जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती है, लेकिन उनके लिए रतन टाटा का जो लगाव था वो देखने की चीज थी, वो एक अनुभव करने की चीज थी। जैसे वो उतरते थे गाड़ी से, 20-25 कुत्ते उनके आसपास इर्द गिर्द आते रहते थे, उनके ऊपर जलांग लगाते थे, हर एक से रतन टाटा बात करते थे। और 6 महीने पहले उनका सबसे बड़ा जो एक सपना था, भारत में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जानवरों का अस्पताल खड़ा करना, वो अभी शुरू हुआ है। वो ये जो आसपास के हर एक सजीव के बारे में एक लगाव रखना, एक प्यार रखना, ये जो एक इट्स वेरी रेयर इन इंडिया। आई मीन वी ट्रीट कंटेम्पशियसली स्पेशली पुअर पीपल एंड पुअर एनिमल। अगर जो कुछ हम श्रद्धांजलि देना चाहते होंगे तो यही रहेगी कि ये जो एक अपना एनवायरमेंट है, अपने एक जो उनका एक प्रोजेक्ट जब ओडिशा में होने वाला था तो उनको पता चला कि वहां माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए अगर डिस्प्लेस हो जाते अगर उनका प्रोजेक्ट वहां आ जाता तो, लेकिन वो बर्ड्स के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शिफ्ट किया। इतनी सादगी इट्स वेरी रेयर इन इंडिया। सो द रियल ट्रिब्यूट विल बी टू हैव अफेक्शन फॉर पीपल अराउंड अस, पुअर अराउंड अस, एंड स्पेशली एनिमल्स अराउंड अस। जी,
गिरीश जी, मैं चाहूंगा वो जो टाटा इंडिका वाली कहानी है वो भी जरा बताइएगा कि कैसे ये प्रोजेक्ट पहले फ्लॉप हो गया, फिर वो फोर्ड के पास पहुंचे थे ताकि उनकी कंपनी को खरीद लें, उनकी कोई बात उनको बुरी लग जाती है, फिर वापस आते हैं, फैसला करते हैं कि उसे फिर से रीलॉन्च करेंगे, और उसके बाद टाटा इंडिका भारत में बनी हुई पूरी तरीके से ऐसी कार बन गई जो पूरा प्रोजेक्ट उनका हिट रहा था, और बाद में ऐसी स्थिति भी आई कि फोर्ड कंपनी के एक वेंचर को भी उन्होंने खरीद लिया था, मतलब पूरी उल्टी कहानी हो गई थी। ये वाला संस्मरण अगर कहानी आप बता पाए। नहीं, ये टाटा के जो अब तक वो जो हेड्स हो गए उनको अलग अलग चीजों से लगाव था, जैसे जेआरडी टाटा को विमानों से लगाव था, उन्होंने एयर इंडिया कंपनी फॉर्म की। वो जो पहले टाटा थे जमशेदजी टाटा, उनको उनका सपना था देश में स्टील बनना चाहिए, पोलाद बनना चाहिए, तो उन्होंने टाटा स्टील का फॉर्मेशन किया, हालांकि वो देख नहीं पाए, उसके पहले उनका देहांत हो गया। वैसे रतन टाटा, उनको ऑटोमोबाइल में बहुत सारी रुचि होती थी। ABP News आपको रखे आगे।